दोस्तों आज की जो कहानी हम लोग आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो पिज्जा हॉन्टेड स्टोरीज के हवाले से है और आप में से जो लोग भी पिज्जा इस वक्त खा रहे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की स्टोरीज बहुत पसंद आने वाली हैं और शायद ही आज से पहले आप लोगों ने डिलीवरीज वगैरह तो देखी होंगी पिज्जा की, बट जो हॉन्टेड स्टोरीज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं डिलीवरी राइडर्स के बारे में वो बहुत कम लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी। तो हमारे साथ स्टोरी के एंड तक रहिएगा और दिल से शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। हम लोग साथ मिलकर अपनी हॉरर फैमिली को इस चैनल पर ग्रो करेंगे। जितनी स्टोरीज आप लोगों के पास हैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट शेयर करें और हमारे साथ हॉरर स्टोरीज को एंजॉय करें। शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं पिज्जा डिलीवरी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप लोगों को इन मखलूकात से महफूज रखे जिनका मैं जिक्र आप लोगों से करने जा रहा हूं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज मैं जो स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं ये पिज्ज़ा राइडर बॉयज़ की स्टोरी है। रात में जब लोग सो रहे होते हैं तो ये लोग अपने जॉब्स परफॉर्म करते हैं और ऐसे में फिर इन लोगों को वीरान गलियों से, अंधेरी गलियों से और कुछ ऐसे रास्तों से गुजरना होता है कि जहाँ पर कुछ दिखाई ना भी दे तो वहाँ की पुरसरारियत, खामोशी और अंधेरा वैसे ही इंसान को डरा दे। फिर कुछ फूड डिलीवरी बॉयज़ जिनके साथ ये कुछ मामलात पेश आए और उन्होंने हमसे शेयर किया, तो दिल थाम के सुनिएगा। आज मैं आपसे चार ऐसी स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद आप पिज्ज़ा खाते हुए रुक जाएंगे। ये चारों स्टोरीज फूड डिलीवरी बॉयज़ की हैं और स्टोरीज को एंड तक लाजमी सुनिएगा। स्टोरीज पिज्ज़ा की तरह बहुत मज़े की हैं, तो जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ें और अपने आप को सेफ कर लें, क्योंकि सुना है कि जब ये मखलूकात अपना जिक्र सुनती हैं तो बहुत खुशी से आपके पास आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं, और अगर आपको डर लगे तो अपने रूम्स की लाइट ऑन कर लीजिएगा। चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वोटेक्स भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वाकया तब का है जब मैं स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। मैं जॉब की तलाश में था, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक जॉब मिली है जो कि पिज्ज़ा राइडर की थी। होता कुछ यूं है कि उस जॉब की टाइमिंग मेरी रात की थी और जॉब में मेरे साथ 2 से 3 वाकयात हुए थे जो आज भी मुझे याद हैं, और मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑर्डर लेने वाली टीम अलग थी और हम बस ऑर्डर क्लिक करते थे और डिलीवर कर देते थे, तो हमारे नंबर पर हमें लोकेशन भेज दी जाती थी। हमने बस मैप की मदद से ऑर्डर को डिलीवर करना होता था। अब वहाँ ऐसा नहीं है कि जिसकी लोकेशन है उससे फ़ोन करके पूछ रहे हो कि मुझे कहाँ आना है, वो आगे से आपको बता रहा हो कि आपने सीधे सीधे आना है मेन रोड पर, फिर आपने ब्रिज पे चलना है, ब्रिज पर चढ़ने के बाद फिर लेफ़्ट पे उतरना है, फिर चपली कबाब वाला आएगा उस गली में इंटर हो जाना है, फिर आगे बदल लस्सी वाला मिलेगा उसकी राइट वाली गली में मुड़ जाना है, तो फिर वहाँ से सीधा सीधा आना है, वहाँ एक कचरे का प्लॉट आएगा उसके बीच में खड़े हो के आपने अपने लेफ़्ट साइड पर देखना है तो सामने मेरा घर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने उस लोकेशन को फॉलो करना है और पिन पे जाकर अपना पिज्ज़ा डिलीवर करना है। अच्छा बताता चलूँ, वहाँ पर ऐसा भी था हर घर अलग अलग थे कि अगर उस घर की लोकेशन यहाँ है तो दूसरा उससे 150 से 200 फीट के फासले पर मौजूद है। गलत घर में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें कंपनी की तरफ से स्कूटी मिली हुई थी इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इस पिज़्ज़ा कंपनी की काफ़ी ब्रांच थी जो कि हर ब्रांच अपने एरिया के 6 किलोमीटर के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवर करती थी, मतलब पिज़्ज़ा ऑर्डर आएगा तो 6 किलोमीटर के अंदर अंदर एरिया से ही आएगा। अब मसला ये था कि मेरे एरिया के अंदर एक ऐसा एरिया भी था जो कि जंगल के बीचों बीच लगता है, वहाँ जाते हुए राइडर्स की हालत पतली हो जाया करती थी मगर मना नहीं कर सकते थे। मैंने वहाँ के बारे में इन पिज़्ज़ा राइडर से सुना था जो सीनियर्स थे कि वो एरिया हॉन्टेड है, वहाँ के उन एड्रेस के साथ बहुत से मामलात हो चुके हैं, तो मेरे भी दिल में उस जगह के लिए बहुत डर बैठ चुका था। अच्छा, ये रेयर ही था कि वहाँ का कोई ऑर्डर आ जाया करता था, वरना वहाँ का ऑर्डर भी नहीं आता था, वो बहुत ही ऑफ रूट एरिया था। खैर, मैं तो जब से वहाँ पर जॉब शुरू हुआ था तब से मुझे वहाँ का कोई ऑर्डर नहीं आया था, तो मैं तो बचा हुआ था, लेकिन तलवार थी सर पर लटकी हुई, कभी भी हो सकता था कि मुझे वहाँ का ऑर्डर आ जाए तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे वहाँ जॉब करते हुए मन से ऊपर हो गया था और मैंने देखा कि एक दिन मेरे फ़ोन पर एक ऑर्डर की लोकेशन आती है
जैसे ही मैं लोकेशन ओपन करता हूँ, एक बार तो मुझे थोड़ा चक्कर आता है कि ये वहीं की लोकेशन थी। कम से कम 15 मिनट का रास्ता था और हमारी टेरिटरी का बिल्कुल एंड ही था। खैर, वहाँ एक फिलिपिनी लड़की थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और वो भी एक पिज्ज़ा राइडर थी। मैंने उसे ये ऑर्डर दिखाया। ऑर्डर देखकर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया, क्योंकि वो भी यहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवर कर चुकी थी। उसकी इंग्लिश बहुत मज़े की थी, तो उसने मुझे कहा, उस्मान अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। खैर, मैंने ऑर्डर लिया और मैं निकल पड़ा। रास्ते तो ऐसे थे कि जहाँ ये पिज़्ज़ा शॉप थी वो भी एक अलग ही जगह थी, जहाँ दूर दूर तक घर थे, ज़्यादा रौनक नहीं थी, लेकिन मैं इसे बहुत ही रौनक वाला एरिया समझता था मुकाबले उसके जहाँ मुझे जाना था। लेकिन मुझे मैप बिल्कुल खाली दिख रहा था, यानी कि आसपास कोई आबादी नहीं थी जिस रास्ते से होते हुए मुझे वहाँ जाना था। अब बात यह थी कि उस जगह के पहले से ही इतनी हाइप क्रिएट थी, वहाँ जाने में वैसे ही खौफ आ रहा था। वैसे सच कहूँ तो अंदर से एक क्यूरोसिटी भी थी कि देखूँ तो कि ऐसा क्या है वहाँ। सुना था कई विंटेज मकान हैं वहाँ पर, कई 100 साल पुराने। खैर, मैं जा रहा था और मैंने अपने पैतल कुर्सी पढ़कर फूंक ली और वो वीरान रोड से होते हुए मैं फिर एक कच्चे रास्ते से नीचे उतरा। काफ़ी टाइम मैं उस वीरान कच्चे रास्ते पर होता हुआ सीधा चलता रहा। अब मैप मुझे 4 मिनट शो कर रहा था। खैर, जो बात थी, ये जगह वाकई में ही ऐसी थी। अभी मैंने कोई जिन जिन्नात नहीं देखे थे, मगर यहाँ की खामोशी, पुरसरारियत और अंधेरा मेरे दिल पे काबिज हो रहा था। इतना खौफ कि मैं आपको क्या बताऊँ। बिला आखिर एक बंगले के सामने पहुँचा। अब यहाँ मैं बताता चलूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे सामने कोई बंगला आने वाला है, क्योंकि हैरत वाली बात यह थी कि वो बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था, उसमें कोई लाइट नहीं जल रही थी। खैर, मैं डरते डरते उस घर के सामने पहुंचा। एक बड़ा सा यार्ड था जिसमें कुछ दरख्त लगे हुए थे, एक बड़ा सा गेट था जिसको क्रॉस करने के बाद एक बड़ा सा यार्ड था, और उस यार्ड में भी चलने के बाद सामने एक बिल्डिंग थी। मैंने बाहर मेन गेट पर ही बाइक लगाई और बाइक से उतरने के बाद मैं उस बड़े गेट से इंटर हुआ। मैंने यार्ड में खड़े होकर बंगले को देखा तो एक बहुत ही विंटेज पुराना बंगलो था और काफ़ी खूबसूरत भी था, मगर रात को उतना ही डरावना लग रहा था। अब मैंने बैल देना चाहा और जब मैं डोर में पहुंचा हूं तो उसके डोर पर एक नोट लिखा हुआ था। वो इंग्लिश में था कि अगर आप कभी किसी किस्म का पार्सल या पिज्ज़ा डिलीवरी देने आए तो डोर के सामने रख दें और उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखना। मेन गेट पर जाकर वहाँ पर लगी एक मैनुअल बैल बजा देना, जैसे स्कूल में होती है, उसे बजा देना। जो बात थी, जो मैंने यहाँ के बारे में सुना था, उससे कई ज़्यादा क्रीपी था। मैंने पिज्ज़ा वहाँ रखा और बड़े से यार्ड से होता हुआ मेन गेट पे आया और उसके बाद मैंने बैल दी और अपनी बाइक स्टार्ट की। उस नोट में साफ लिखा था कि बैल देने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। खैर, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैंने निकलने वाली की और मैं वापस आ गया उस जगह से। खैर, मैंने अपनी फिलिपिनी दोस्त को आकर ये बात बताई। उसे भी सुनकर ये अजीब लगा। उसने कहा कि हाँ, मैंने भी उस एरिया में डिलीवरी की है, मगर मुझे बस वहाँ के एरिया से डर लगता है जाने में। मैंने जहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवर किया था वहाँ पर मुझे नॉर्मल इंसान मिले थे, उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। खैर, मैंने कहा कि दफ़ा करो, हो के आ गया मैं, जान छूटी। मगर मुझे क्या पता था कि अभी असल जान यहाँ फंसने वाली थी। ऐसा है कि कुछ दिन के बाद नाइट में मैं 2-3 डिलीवरीज आसपास की करके जैसे ही आता हूँ तो मुझे एक राइड आती है, फिर मैं देखता हूँ तो वहीं की होती है। जब मैं उस मैप को जूम करता हूँ, देखता हूँ तो कि शायद अब की बार किसी ढंग की जगह की हो, तो मैं देखता हूँ कि ये तो वही लोकेशन है जहाँ लास्ट टाइम मैं गया था। आप यकीन करेंगे कि मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, मेरे जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो गया। मैंने डरते डरते उनका ऑर्डर लिया और निकल गया डिलीवरी के लिए। अब मैं दुआएं करता हुआ जा रहा था, वही रास्ता शुरू हो गया, बहुत रोना, मैं क्या बताऊं। मैं अब जाते जाते ये सोच रहा था कि आज एक काम करूंगा कि जब मैं बैल बजा दूंगा तो छुप कर देखूंगा कि अंदर से कौन निकलता है, देखूं तो उस पुराने विंटेज मकान में कौन रहता है, क्योंकि मुझे वो बात खाए जा रही थी कि पीछे मुड़कर मत देखना। खैर, मैं पहुंचा उस जगह पे और आज भी वो जगह तारीख में डूबी हुई थी। मैंने जाकर पिज्ज़ा रखा
और उसके बाद मैंने उस डोर पर जाकर बैल बजाई। अच्छा, वो बैल की आवाज़ इतनी क्रीपी थी कि उस बैल के साथ एक हैम्पर लटका हुआ था, जिसको उतार कर मैंने उस बैल पर ज़ोर से हिट करता। वो बैल की आवाज़ इतनी लाउड थी कि आसपास जो जंगल झाड़ियाँ थीं, मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि कोई इस बैल की आवाज़ सुनकर उसमें से निकल आएगा। बहरहाल, मैं बैल देता हूँ और मैं अपनी स्कूटी पर जाकर बैठा। अब मेरे बैक साइड पर वो घर था। मैं अपनी स्कूटी के साइड मिरर से, हालांकि रात का अंधेरा था लेकिन चांद की चांदनी में, उस साइड मिरर से देखता हूँ कि आखिर ये पिज्ज़ा उठाने कौन आएगा। मैं देखता हूँ कि वो एक बहुत ही अजीब सी औरत, जो कि पहले दरवाज़ा खुलता है, वो रेंगती हुई आती है और उसके बाद वो पिज्ज़ा उठाकर अंदर चली जाती है। उसका बिल्कुल ध्यान मुझ पर नहीं जाता। वो अजीब तरीके से झुकती है। खैर, मैं दिल ही दिल में बड़ा परेशान हो गया। मैं ये समझा कि शायद कोई डिसेबल लेडी हो और इस वजह से वो इस तरह चल कर आई हो। खैर, मैंने बाइक वहाँ से निकाली और मैं ब्रांच आ गया। और अभी भी दिल में यही सोच रहा था कि ये नोट लिखने का क्या मकसद था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना था। खैर, अब मैं वापस अपनी ब्रांच आ गया था। अब इसे इत्तेफाक कहें या मेरे साथ हो रहा था ये सब कुछ, मुझे नेक्स्ट नाइट भी उस जगह की राइड आ गई। और मैं चूंकि दो बार डिलीवरी कर चुका था तो वो वाली कैफियत नहीं थी, मगर अब डर और क्यूरोसिटी तो नहीं थी दिमाग में कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अपने आप को दुनिया से अलग रखे हुए हैं। खैर, अब रास्ता भी याद हो चुका था तो अब मैंने मैप का सहारा नहीं लिया और वहीं पहुंच गया अपनी लोकेशन पर। आज जब मैंने डोर पर लिखे नोट को देखा तो वो कुछ चेंज लग रहा था। मैंने जब अंधेरे में गौर किया और मैंने जब फ़ोन की लाइट उस पर मारी तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा था कि तुमने गलती कर दी, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था। अब एक काम करो, इस सहन में खड़े होकर इस घर की तरफ देखो और ऊंची आवाज़ में कहो कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और फिर वैसे ही बैल दो और चले जाओ। मैंने कहा, ये क्या ड्रामा है। मैंने पिज्ज़ा रखा और वहाँ से बाहर आकर मैंने बैल दी और मैं निकल गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैंने कौन सा इनकी किसी खूबसूरत मोहतरमा को देख लिया है जो मैं इसके लिए माफ़ी मांगूँ। खैर, मैंने सर झटका और निकल पड़ा वहाँ से। अच्छा, अब ऐसा होता था, हम राइडर्स को बोनस भी मिला करता था अलग से। ये जो लॉन्ग राइड्स हमें मिला करती थी, यानी ऑफ रूट की, तो दिल में ज़रा सा लालच भी होता था कि चलो बोनस भी बन जाएगा। तो वो राइड हम किसी को दिया भी नहीं करते थे और ना ही हम जानबूझकर उस राइड को मना कर सकते थे। खैर, मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मगर कहीं ना कहीं दिमाग में ये बातें चल रही थी कि वो सब क्या था, उन्हें पता कैसे चला कि मैंने उन्हें देख लिया। हालांकि मैंने तो अपनी बाइक के मिरर से देखा था बहुत ही खुफिया तरीके से। खुशकिस्मती से मुझे वहाँ की कुछ दिन कोई राइड नहीं आई और मैं बहुत ईजी हो गया था। फिर एक दिन राइड आती है और वहीं की आती है। मैं फिर डर गया कि अब जाऊंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। खैर, मैंने पिज्ज़ा लिया और निकल पड़ा लोकेशन की तरफ। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं बस वैसे ही पिज्ज़ा रखूंगा और बैल देकर वापस आ जाऊंगा। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां एक और नोट लिखा हुआ था। मैंने उसे नहीं पढ़ा और कहा कि दफ़ा करो, मैं अपना पिज्ज़ा रखूँ और निकलूँ यहाँ से। मगर दिल में ख्याल आया कि एक बार पढ़ूँ तो कि क्या लिखा है। मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा था कि तुम्हें कहा था कि सॉरी बोलो, मगर तुमने सॉरी नहीं कहा। तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम अभी यहाँ खड़े होकर सॉरी बोलो और कहो कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम्हें बता दें कि तुमसे पहले भी किसी ने यह गलती की थी, अब वो इंसान होश में नहीं है। वोटिक्स भाई, अब मेरी हालत पतली हो गई। कुछ तो था यहाँ पर जो मेरे साथ चल रहा था, उन्हें सब खबर थी। इतना अच्छे से अंदाज़ा था कि डिलीवरी देने मैं ही आऊँगा और उन्होंने ये सब मेरे लिए लिखा था। इन सब बातों ने मुझे घुमा दिया था। ओ मेरे खुदा, ये क्या मुसीबत थी, मैं कहाँ फंस गया। मैंने सहन में जाकर खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जैसा कि आपने मना किया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने फिर भी पीछे मुड़कर देखा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, इतने में मैंने देखा कि ऊपर सेकंड फ्लोर पर एक कमरे की लाइट ऑन हुई है और कोई पर्दे के पीछे खड़ा है। उसका शेडो पर्दे पर आ रहा था और वो मुझे ही देख रहा था। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी आ गई थी।
मैंने बस जल्दी में वो पिज्ज़ा रखा और वहाँ से चलता बना। मैंने बस वहाँ से अपनी जान छुड़ाई और निकल गया। पर वो सब बहुत अजीब था, मुझे बहुत अजीब लगा ये मामला। अब कुछ दिन बाद मुझे अगेन आती है वहाँ की राइड। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे ही वहाँ की राइड क्यों आ रही है। मैं बहुत डर चुका था उस जगह को लेकर। मैंने अपने एक राइडर दोस्त से कहा कि तुम्हारी भी उस रूट पर एक राइड आई हुई है, मुझे थोड़ा ऑफ आगे उस एरिया में जाना है। ऐसा हो सकता है कि हम दोनों मिलकर पहले तुम्हारा पिज़्ज़ा डिलीवर कर दें, फिर तुम मेरे साथ मेरी लोकेशन पर चलो। मुझे उस घर से बहुत खौफ आता है, तुम चाहे अंदर नहीं जाना, बस बाहर खड़े रहना, मैं जल्दी से पिज़्ज़ा डिलीवर करके आ जाऊँगा। तो उसने कहा कि श्योर, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। पहले उसने जहाँ डिलीवरी देनी थी वहाँ दी, फिर हम दोनों मेरी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे। अब हम वहाँ पहुँचे तो मेरे साथ जो मेरा साथी था वो बहुत डर रहा था उस जगह से। उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर करने आते हो, तुम्हारी हिम्मत है भाई, मुझे तो यहाँ से बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कि आप हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, मैं बस गया और अभी आया। मैंने उसे बाहर खड़ा किया। जब पिज़्ज़ा रखना था तो एक न्यू मुसीबत वहाँ लगी हुई थी, एक न्यू नोट। उस पर लिखा हुआ था, जिसे तुम अपने साथ लाए हो उसके पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं, उसे तुम बचा सकते हो तो बचा लो, वो पीछे स्विमिंग पूल में डूब रहा है। और इतने में मुझे पीछे से उस साथी की आवाज़ आती है। मैं भागता हुआ उस घर के बैक साइड पर जाता हूँ जहाँ मेरा साथी स्विमिंग पूल में डूब रहा होता है। उस पूल का पानी बहुत गंदा हुआ हुआ था और उसमें काई भी लगी हुई थी, जैसे अरसे से किसी ने यहाँ पर इस पूल का पानी चेंज ना किया हो। मैंने देखा मेरा साथी वहाँ पानी में डूब रहा है और जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बॉटम तक लेकर जा रही है पूल के, उसे गोते दे रही है, उसे डुबाने की कोशिश कर रही है, यानी बार बार डुबा रही है। मैंने जल्दी से जाकर अपने साथी को बाहर निकाला। वो बहुत कॉशियस हो गया था और कहने लगा कि बस निकलो यहाँ से, अब हम और नहीं रुकेंगे। फटाफट दौड़ लगा दी ये बोलकर वहाँ से, और बस हड़बड़ाते हुए वहाँ से हम दोनों निकल पड़े। जब हम लोग ब्रांच पहुँचे तो मैंने उसे कहा कि किसी को मत बताना, यहाँ कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, ये सब कुछ सुनकर हमारा साथ कोई नहीं देगा। अब मैं उसे अकेले में सुनना चाहता था कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ जब मैं पिज़्ज़ा अंदर देने गया और तुम पीछे खड़े हुए थे। तो वो कहने लगा कि मैं जब बाहर खड़ा था तो एक लड़की आती है मेरे पास और वो मुझे फॉलो करने का कहती है। वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त तुमको अंदर बुला रहा है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी दिखने में और ना चाहते हुए भी मैं उसे फॉलो करने लगा, शायद मैं उसमें खो गया था। वो घर के साथ दूसरे रास्ते से मुझे उस घर के बैक साइड की तरफ ले जा रही थी। मुझे बाकी कोई होश नहीं था, मैं बस उस लड़की को देखे जा रहा था और उसे फॉलो करते चला जा रहा था। और फिर जैसे ही मैं उस घर में इंटर हुआ तो मुझे किसी ने धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया और फिर मुझे बकायदा लगा कि कोई मुझे मारना चाह रहा है, मुझे पकड़कर अंदर गोते दे रहा है। मुझे वो नज़र भी नहीं आ रहा था। खैर भाई, मैंने तौबा कर ली कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और अब चाहे मुझे इस जॉब से हटा ही क्यों ना दें, मुझे वहाँ की राइड आई तो मैं नहीं लूँगा, पहले तो कोशिश करूँगा कि मैं किसी और को दे दूँ। खैर इसके बाद भी काफ़ी दिन गुजर गए। मुझे एक दिन फिर वही राइड आ गई, मेरे हाथ पांव फूल गए और मैं बेचैन होने लगा। मैंने किसी और राइडर को कहा कि तुम ये राइड ले लो प्लीज़, और मैं नहीं जाना चाहता, और देखो इसका बोनस भी बहुत अच्छा है, अच्छा खासा मिलेगा तुम्हें। तो वो लालच में आ गया और उसने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगा ये राइड, तुम फिक्र नहीं करो। खैर उसने पिज़्ज़ा लिया और वहाँ के लिए निकल गया। मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी क्योंकि वो ये बात नहीं जानता था कि जहाँ वो पिज़्ज़ा लेकर जा रहा है वहाँ कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। और तकरीबन 15 मिनट गुजरे होंगे उसके जाने के बाद, मैंने उसे वॉइस मैसेज छोड़ा कि तुम पहुँच गए हो, तो उसने बोला कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ। तो मैंने उसे जाने से पहले बताया था कि तुमने डोर पर पिज़्ज़ा रखना है और फिर डोर पर लगी मैनुअल बेल बजा देनी है, तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मुझे आज इस चीज़ की फ़िक्र थी कि आज वहाँ उस नोट पर क्या लिखा होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिज़्ज़ा देने मैं आ रहा हूँ, आज मेरे लिए क्या लिखा होगा। मैंने अपने दोस्त को कहा कि देखो वहाँ डोर पर कोई नोट लिखा हुआ है क्या। वो कहने लगा हाँ यहाँ एक नोट लिखा है जिस पर बड़ा बड़ा सा लिखा है सॉरी। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सॉरी क्यों लिखा है। खैर मैंने उससे कहा कि बस जल्दी से वहाँ पिज़्ज़ा रखो और निकलो,
उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, जब वो वापस आया तो उसके होश उड़े हुए थे। वो कहने लगा, जब मैंने पिज्ज़ा वहाँ रखा तो मुझे उस घर के पीछे से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं कि जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं, उनके खेलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कहा कि मैं जाकर देखूँ तो यहाँ घर पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा, पूरा घर वीरान पड़ा हुआ है, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है और दूसरी साइड पर जैसे रौनक लगी हुई हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पाऊँ जब उस घर के पिछले वाली साइड पर गया तो देखा कि पानी हिल रहा था, जैसे कोई उसमें नहा रहा है। आवाज़ें भी आ रही हैं मगर कोई नज़र नहीं आ रहा। मेरी जान निकल गई। मैं जल्दी से अपनी बाइक की तरफ भागता हूँ और फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और जैसे ही मैं वहाँ से निकलने लगा तो मैंने देखा कि एक रूम की लाइट ऑन हुई है, वो भी सेकंड फ्लोर पर। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई शीशे के पीछे लगे पर्दे के पीछे खड़ा है और मुझे देख रहा है। उस पर्दे पे उसका शेडो मुझे साफ नज़र आ रहा है। मैं बहुत डर गया इसलिए, और वहाँ से जितना जल्दी हो सका मैंने बाइक निकाली। खैर वोटिक्स भाई, मैंने इसके बाद जॉब छोड़ दी। फिर मैं दूसरी जॉब ढूंढने लगा। मुझे मुश्किल से एक जॉब मिली सिक्योरिटी की। अच्छा काम ये था कि गवर्नमेंट वहाँ के विंटेज हाउसेस को अपने अंडर में ले लेती है जब उसका कोई वली वारिस नहीं रहता, और ख़ुद ही उसकी रेनोवेशन भी करवाती रहती है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रख देते हैं उनकी हिफाजत के लिए। खैर मुझे वो जॉब मिल गई। मुझे कहा गया कि आपको यहाँ नाइट ड्यूटी करनी है, कि वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था जो पहले ड्यूटी किया करता था वो नाइट ड्यूटी किया करता था मगर उसे डे में कर दिया गया, आप उसकी जगह नाइट ड्यूटी करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। जॉब तो मिली, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और लोकेशन की तरफ बढ़ गए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आप समझ ही गए होंगे कि जब मैं पहुँचा उस लोकेशन पे तो ये वही बैंगलो था जहाँ मैं पिज्ज़ा डिलीवर किया करता था। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने दिल में सोचा इस घर से मेरा क्या कनेक्शन जुड़ा है। मैं बहुत पैनिक हो गया। मैंने सुपरवाइज़र से कहा कि मुझे नहीं करनी ये ड्यूटी, मुझे यहाँ से ले चलें प्लीज़। उसने मुझसे पूछा कि उस्मान आप क्यों नहीं करना चाहते यहाँ ड्यूटी, तो मैंने कहा कि बस यहाँ से निकलें फिर मैं आपको बताता हूँ। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने उससे कहा कि पहले आप बताएं कि इस घर का क्या सीन है। उसने कहा कि ये घर एक अरसे से बंद है, यहाँ कोई नहीं रहता, अब ये गवर्नमेंट के अंडर है। तो मैंने कहा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, मुझे इस घर से पिज्ज़ा के ऑर्डर आते थे और ऐसे ऐसे मेरे लिए डोर पे नोट लिखे होते थे। वो मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। खैर वो इंडियन था और बहुत अच्छा आदमी था, उसने मेरी एक और लोकेशन पर ड्यूटी लगा दी। अब वो जगह थी तो उससे भी ज़्यादा दूर और अलग थलग, लेकिन मैंने वहाँ ड्यूटी करना पसंद की। बहरहाल ये बात एक मिस्ट्री ही रह गई कि इस घर से मेरा क्या कनेक्शन जुड़ा था। आपकी ऑडियंस में लोगों को क्या समझ आ रहा है उस घर के बारे में मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब मैं आपको एक और वाक्या सुनाने जा रहा हूँ जो वहाँ एक और बंदे के साथ हुआ था। उसने भी मुझे तब बताया जब मैंने उसको ये वाक्या बताया। उसने बताया कि मैं भी ऐसे ही उस एरिया में पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया था, तो वो घर भी ऐसे ही विंटेज था। जब मैंने बैल बजाना चाही तो मैंने देखा कि वो डोर ओपन ही है और अंदर अंधेरा था, तो मैं तजस्सुस में आया कि घर का दरवाज़ा खुला है और घर में तो कोई बंदा नहीं, और यहाँ पिज्ज़ा किसने मंगवाया होगा फिर। खैर इंसान की फितरत है ना कि जब दिमाग में कोई क्यूरोसिटी आ जाए तो उसे पता करने के लिए अपनी किसी भी हद तक वो जा सकता है। मैं अंदर गया, जब अंदर का माहौल देखा तो बहुत ही पुराने स्टाइल के हिसाब से चीज़ें पड़ी थीं और ऐसे जैसे बहुत अरसे से यहाँ कोई इंसान रह ही ना रहा हो। मैंने देखा कि वो एक गली टाइप सी थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूम्स थे। मुझे लास्ट वाले रूम से लोगों की हल्की हल्की बातों की आवाज़ आ रही थी और मेरी सांस में सांस आई। उस रूम से हल्की हल्की रोशनी भी उस गली में पड़ रही थी। मैं उस रूम की तरफ बढ़ता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मैं उस रूम के सामने पहुँचता हूँ और अंदर जाता हूँ तो अंदर कोई भी मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि मेरे वहाँ पहुँचते ही लोगों की बातों की आवाज़ आना बंद हो गई थी और ख़ामोशी हो गई थी। मैंने पूरे रूम को देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने गौर किया तो रूम में सोफे पड़े हुए थे और बेड भी था
और उन सोफों पे गौर से देखा तो जैसे वो धसे हुए थे और उन पर कोई बैठा हुआ था, और बेड पर भी ऐसा ही हुआ हुआ था जैसे सोफे पर था, जैसे उस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। उस कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हों और बैठे हुए हैं। मैं बहुत डर गया और मुझे ऐसा लगा कि उस गली में से कोई बच्चा खेलता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ भागा है। मैंने फौरन बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने फौरन पिज़्ज़ा वहीं एक टेबल पर रखा और उस घर से बाहर निकला। मुझे पीछे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत घबराहट में था। मैं जल्दी से ब्रांच पहुँचा और फिर मैं कभी भी उस एरिया की राइड नहीं लेता हूँ। तो ये थी हम दोनों की कहानी, जो आप सबको उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। शुक्रिया। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वोटिक्स भाई, मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जॉब का भी मसला हो सकता है। ये बात है कराची के पिछले साल की। बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी। इस बारिश में हमें ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स आ रहे थे। मैं एक फूड डिलीवरी राइडर हूँ। मुझे एक ऑर्डर आता है। मुझे एक रेस्टोरेंट से खाना लेना था और फिर एक बिल्डिंग में जहाँ फ्लैट्स बने हुए थे वहाँ डिलीवर करना था। मैंने जल्दी से खाना लिया। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और मैं कैसे भी अपनी लोकेशन पर पहुँच गया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे एक लिफ्ट की मदद से 6th फ्लोर पर जाना था। मैंने देखा कि लिफ्ट के 6th फ्लोर का बटन काम नहीं कर रहा था। खैर, मैंने सोचा कि मैं 7th फ्लोर पर चला जाता हूँ और फिर एक फ्लोर नीचे उतर जाऊँगा। मैं ऐसे ही 7th फ्लोर पर उतरता हूँ और जैसे ही मैं नीचे 6th फ्लोर पर जाने लगा तो मैंने नीचे देखा कि 6th फ्लोर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे उसे देखकर बड़ा अजीब लगा कि यहाँ कोई लाइट नहीं जल रही है, ना ही लिफ्ट का बटन यहाँ ऑपरेट हो रहा था। खैर, डरता हुआ फ्लैट्स के डोर पर लिखे नंबर्स पढ़ने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं कॉल कर लेता हूँ कस्टमर को उस नंबर पर। मैंने उस नंबर पर कॉल की। उस फ्लोर के कोने से एक फ्लैट से मुझे फ़ोन रिंगिंग की आवाज़ आने लगी। फिर एक शख्स ने कॉल उठाई और वो कॉल पिक करके अपने फ्लैट के डोर पर आकर खड़ा हो गया। वो अंधेरे में मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा था, जैसे अंधेरे में कोई जेट ब्लैक चीज़ होती है। वो मुझे जेट ब्लैक दिख रहा था। उसने मेरी कॉल रिसीव की। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। उसने कहा कि जहाँ खड़े हो वहीं पर मेरी चीज़ें रख दो, मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी है। मैं इतना डर चुका था कि मुझे पेमेंट की भी फिक्र नहीं थी। मैं बस वहाँ से निकलना चाहता था। मैंने ऑर्डर वहीं रखा और मैंने सीढ़ियों से नीचे दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं नीचे आया और नीचे गेट पर बैठा गार्ड, उससे पूछा कि 6th फ्लोर पर इतना अंधेरा क्यों है। वो कहता है कि वहाँ तो किसी फ्लैट में कोई नहीं रहता। मैंने उसे बताया कि मुझे वहाँ से एक ऑर्डर आया था, मैं अभी देकर आ रहा हूँ। तो उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। खैर, मैं उसे यकीन भी नहीं दिलाना चाहता था। मैं बस यहाँ से निकलना चाहता था। मैं ये समझ चुका था कि मेरे साथ कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं एक और फूड डिलीवरी राइडर की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वोटिक्स भाई, कैसे हैं आप? मैं ये कहानी आपको कराची से शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फूड डिलीवरी वाले पूरी रात फूड डिलीवर करते हैं, और हम जब रात में सब लोग सो जाते हैं तभी हम ये जॉब परफॉर्म करते हैं। ये वाकया भी मेरे साथ रात के वक्त पेश आया। ये बात है, कोरंगी के पास कोई एरिया है जहाँ फैक्ट्रीज हैं। मुझे एक ऑर्डर आता है कि मुझे कुछ खाने का सामान लेकर किसी फैक्ट्री में पहुँचना था। वो मैप मुझे रास्ता तकरीबन 30 मिनट का दिखा रहा था। पहले तो मैं आबादी में बाइक चलाता रहा, फिर मैप को फॉलो करते करते मैं एक ऐसे रास्ते पर निकल आया जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मैं बहुत परेशान हो गया। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी गलत रास्ते पर आ गया हूँ? मैंने ये सोचा कि दूर दूर तक मुझे कहीं आबादी नज़र नहीं आ रही। मैंने जिसका ऑर्डर लिया था उसको कॉल की और कहा, सर आप देखें मैं गलत तो नहीं आ रहा? उसने अपनी ऐप में देखा कि अभी 15 मिनट और शो रहे हैं, कि आप मेरे पास 15 मिनट तक पहुंचेंगे। फिर वो थोड़ा खामोश हुआ और कहने लगा कि कहीं दूसरे रास्ते से तो नहीं आ रहे आप? मैंने कहा, कौन से? उसने कहा कि एक काम करें, आप मुझे अपनी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप कर दें। मैंने उसे अपनी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप कर दी। तो वो कहने लगा, ओहो आपने तो गलत रास्ता ले लिया, ये तो बहुत लंबा रास्ता है।
खैर, अब आप आधे रास्ते आ ही चुके हैं और आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके हैं, तो आप आ जाएं इसी रास्ते से। मैंने कहा कि ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि गूगल मैप आपको अल्टरनेटिव रास्ता भी देता है, तो मैंने शायद उसको सेलेक्ट कर लिया था, तभी मुझे गूगल मैप यहाँ से लेकर जा रहा था। खैर, मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी और अपने रास्ते पे बढ़ना शुरू कर दिया। अब तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरी बाइक पंक्चर हो गई। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो कैसी जगह थी। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, ना कोई इंसान, कुछ नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ और किससे हेल्प लूँ, कहाँ से पंक्चर लगवाऊँ। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा कि अल्लाह मालिक है। मैं ऐसे ही बाइक को चलाता हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्यूब ख़राब हो जाएगी और बाइक स्पीड में नहीं आएगी और स्पीड से नहीं चल पाएगी, लेकिन कम से कम मैं इस जगह से तो निकल जाऊंगा। ये सोचकर टंकी पर बैठ गया और बाइक चलाने लगा। अब सिर्फ चाँद की रोशनी थी और मेरी बाइक की हेडलाइट की रोशनी थी। डर से बुरा हाल था और बस बाइक चलाता रहा। मैंने गौर किया जैसे सामने दूर उस रोड पर कोई आदमी खड़ा हुआ मुझे देख रहा है। मैं वैसे ही डरा हुआ था। मैंने उसे देखा और मैं डर गया। अब क्या करूं, मैंने अपने आप से कहा। ना मैं पीछे जा सकता हूं क्योंकि वो खौफनाक रास्ता है और कितना रास्ता तो मैं तय करके आ चुका हूं, और ना मैं आगे जा सकता हूं क्योंकि वो आदमी खड़ा है। अब मुझे डर ये भी था कि ये कोई डकैत टाइप के लोग ना हों जो मुझे लूट लें, और अगर वापस गया तो शायद इनके पास कोई बाइक ना हो, मुझे माली नुकसान के साथ खुदा ना खास्ता ये कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दें। हज़ारों बातें उस वक्त दिमाग पर चल रही थी, मगर सच ये था कि बस बाइक सीधा ही चलाए जा रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में कोई और एक्शन भी नहीं आ रहा था या मैं कोई स्टेप भी नहीं ले पा रहा था ऐसी सिचुएशन में। खैर, मैं बढ़ता रहा और जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा तो जो शख्स था वो एकदम से झाड़ियों में कहीं गायब हो गया भागकर। मैं बहुत परेशान हुआ। मैं थोड़ा रुका और इधर उधर का जायज़ा लेने लगा, मगर मुझे कोई हलचल फील नहीं हुई। अब मसला ये था कि कुछ ही सेकंड्स में मुझे वहाँ से गुजरना था जहाँ मुझे वो शख्स खड़ा हुआ नज़र आया था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैं बाइक चलाने लगा। अब मैं जब उस लोकेशन पर आया, वहाँ से गुजरा, तो मेरी हार्ट बीट तेज़ होने लगी। बाइक भी तेज़ नहीं चल सकती थी क्योंकि वो पंक्चर थी। मैं चाह कर भी उसे तेज़ नहीं चला सकता था। मसला ही कुछ ऐसा था। खैर, मैंने महसूस किया कि झाड़ियों में कुछ लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। मुझे उनकी विस्परिंग की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वहाँ से गुजरा हूँ, उन्होंने मेरा नाम लेकर आवाज़ें देना शुरू कर दिया। फौरन दिमाग में आया, इन्हें मेरा नाम कैसे पता, ये सब नॉर्मल नहीं है और ना ही ये कोई डकैत है। और ये इतनी भारी आवाज़ में बोल रहे थे कि जैसे के साथ ऐसा भी मालूम हो रहा था कि कुछ बच्चे भी इनमें मौजूद हैं। मुझे बच्चों की आवाज़ में भी अपना नाम लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सुना था कि ऐसी मखलूक आपको आवाज़ दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलता रहा बेबस हल्की स्पीड में। अब जब मैंने वो जगह क्रॉस कर ली तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो लोग अब मेरे पीछे रोड पे भागते हुए आ रहे हैं। उनमें तो वो बच्चे भी हैं और वो हटने का नाम भी नहीं ले रहे थे। फिर मैं क्या बताऊँ, ये सिचुएशन कितनी खौफनाक थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे पास जो खाना है उसमें गोश्त का भी आइटम है, तो शायद इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं अब क्या करूं, अगर रुकूंगा तो ये लोग मुझे नज़र आ जाएंगे और शायद ये मुझे कोई नुकसान भी पहुंचा दें। अगर मैं इन्हें ये खाना दे देता हूं तो खैर, मैंने दिल में फैसला किया कि मैं इन्हें ये खाना दे देता हूं। और कुछ भी हो, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मैंने अपनी बाइक रोकी और अपनी आँखों को नीचे ही रखा। वो कुछ फासले पर पीछे खड़े मुझे फील हो रहे थे। मैंने अपना फूड वाला बॉक्स ओपन किया और मैंने वो पूरा खाना खोलकर रोड पर रख दिया और फिर अगेन बाइक पर बैठा और आगे बढ़ा। मैंने फील किया कि सब लोग उस खाने पर टूट पड़े। ये बातें बताने में तो शायद इस टाइम मेरी स्टोरी को इन्जॉय कर रहे हैं, मगर जिस पर यह सिचुएशन गुजरती है वो वही जानता है। आप शायद इमेजिन कर सकें और अंदाज़ा लगा सकें कि क्या हालत होगी उस टाइम मेरी। अब अच्छी बात यह थी कि वहाँ खाना रखने से उन्होंने मेरी जान छोड़ दी थी। मैंने एक बार
पीछे मुड़कर देखा उन लोगों को, जैसे जानवर खाना खाते हैं अपने चारों पांवों पर खड़े होकर। वो ऐसे ही खाना खा रहे थे और अपने हाथों का यूज़ नहीं कर रहे थे और बस डायरेक्ट मुंह से खाना खा रहे थे। ज़िंदगी में कभी मैंने इतना डर महसूस नहीं किया और ना ही कभी ऐसे किसी को खाना खाते हुए देखा जितना उस रात मैं डर गया था। उसके बाद उस व्हील के पैसे भी मैंने अपनी पॉकेट से दिया और कस्टमर को एक्सक्यूज़ कर लिया कि मैं आप तक नहीं आ सकता। खैर, उसके बाद जब भी मुझे किसी ऐसे रूट पर जाना होता है जहाँ का मुझे ना पता हो, तो पहले मैं लोकेशन फ़ोन पे अच्छी तरह समझ लेता हूँ, उसे मैप से टैली कर लेता हूँ कि कहीं मैप मुझे किसी और रास्ते पर दोबारा ना ले जाए। तो ये था मेरा एक वाक्या, अपने शो में लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों बताइएगा इनमें से कौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा मुझसे लाजमी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर स्टोरीज़ अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। हमारा ईमेल और व्हाट्सएप हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिया गया है। अगर आपको कोई भी स्टोरी शेयर करनी हो तो बिला तकल्लुफ़ शेयर कर सकते हैं और हमारी हॉरर फैमिली में शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जिन्होंने ये लाइन सुनकर अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से शुक्रिया। हम ये स्टोरीज़ आप सबसे इसीलिए शेयर करते हैं ताकि आप सबको इसका एक्सपीरियंस हो, ना कि हम आपको सिर्फ स्टोरी सुनाकर इस चैनल पर डराने आए हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।